हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू और फाइनल आउटकम क्या होगा आपके रिलेशनशिप का। तो आज थोड़ा जल्दी जल्दी ही मैं रीडिंग करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम पड़ा है और सब काम निपटने के बाद अगर रीडिंग डालती तो अगेन फिर से मुझे रात के 2-3 बज जाते। तो फिर मुझे सोचा कि भाई पहले मैं रीडिंग डाल दूँ फटाफट करके, अब से लेके बैठी हूँ। ये डेक में 3 बार क्लीन करके बैठी थी, बट मेरा हुआ ही नहीं। कोई ना कोई सेशन आ ही रहा था, क्या करते हैं। अभी आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको ऐसे ही लेना है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग से ही आपको लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी रीडिंग के आधार पर आपको नहीं लेना है, और जस्ट एक गाइडेंस के लिए होती है रीडिंग। आपको ऐसे ही इसको फॉलो करना है। कुछ मेंटेलिटी स्ट्रांग हो जाए, कुछ आपकी हीलिंग हो जाए, कुछ आपको गाइडेंस मिल जाए, इसी के लिए रीडिंग होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पर और कॉल करते हैं डियर केंजा माइकल को। डियर केंजा माइकल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अपने पर्सन को अपने ध्यान में लाइए। टाइमलेस रीडिंग है, सभी साइंस के लिए मेरी हर रीडिंग रहती है। आपके साथ एक नए स्टार्ट, नई बिगनिंग ये पर्सन करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। जी, ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं। किसके ब्यूटीफुल, किसके एनर्जी भाई। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जी ये पर्सन बहुत अच्छा देखते हैं आपको, बहुत सक्सेसफुल ऐसे देखते हैं जी। क्लियरिटी देना चाहते, ओ माई गॉड, न्यू बिगनिंग के बहुत कार्ड आ रहे। रिश्ते में ठहराव लाना चाहती है पर्सन, प्यार के साथ आ रहे, वे दिल लेके आ रहे। विश फुलफिलमेंट हो इनके लाइफ का, उभरता सितारा हो जी। किंग की बहुत एनर्जी आ रही है यहाँ पे। किंग तो भाई उतर नहीं रहा है घोड़े से। 111 क्लेम कीजिए, 111 की एनर्जी है। पर्सन तो आ रहा है, प्यार भी लेके आ रहा है, क्लैरिटी भी लेके आ रहा है, स्टेबिलिटी भी लेके आ रहा है। शुरुआत चाह रहा है आपको, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये पर्सन दे रहा है जी। इसको लगता है आप इसका डेस्टाइन पार्टनर हो भाई। कुछ ना कुछ दिमाग की बत्ती जल चुकी इस पर्सन की आपको लेकर। ओह गॉड, एट ऑफ हैंड्स। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये पर्सन। क्यों करना चाहते हैं इस वक्त? क्योंकि इस पर्सन ने इतनी बदलाव क्यों आया पता है? बहुत स्ट्रेस दिया इस पर्सन ने आपको, बहुत एंजाइटी में डाला है, बहुत पैनिक अटैक इस पर्सन को लेकर आपको हुए हैं। तो अपने किए पे जैसे पछतावा हो रहा है इस पर्सन को कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। कुछ तो भाई इसके दिमाग की बत्ती जलने वाला काम, यूनिवर्स का ही मिरेकल समझो कि ऐसा हुआ है इनके साथ। ये आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे, बहुत अच्छा है। क्लेम कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी क्लेम कीजिए। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स। अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है ना भाई, तो आपके मैरिड रिलेशनशिप में भी एक नई अच्छी स्टेबल स्ट्रांग पावरफुल शुरुआत हो रही है। कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन से। आप अगर आप ज़्यादा ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, बट आपको लेकर इस पर्सन की सोच इस वक्त जी बिल्कुल स्टार पे है भाई। ये तो तारे, चांद तारे दिख रहे हैं आपको लेकर। किसी ऐसे जगह लेके जाना चाहते हैं आपके, जहाँ पे शांति हो, एकांत हो, एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं आपसे। डेट पर जाना, जैसे किसी बीच पर जाना, एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं ये पर्सन। आप अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हैं ये पर्सन। आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं। आपके साथ ये जो जर्नी है, लाइफ है, इसको बड़े लंबे पैमाने पे ये पर्सन आगे तक लेके जाना चाहते हैं। शुरुआत कर दी पर्सन ने, वेट कर रहे कब ये आएगी, कब मैं इसको अप्रोच करूँगा। जैसे रास्ते पे खड़े आपके ये पर्सन आपकी वेट कर रहे हैं, और कोई क्लैरिटी नहीं थी आपके रिलेशनशिप में। इस पर्सन ने कभी अपने जो इमोशंस है, प्यार भरी इमोशंस है, लव कन्फेशन ये नहीं किया था। तो किसी किसी के लिए भी ये कन्फेशन आता हुआ दिख रहा है प्रपोजल के साथ। बहुत लॉन्ग टर्म में ये पर्सन लेके जाएंगे आपको। बहुत चैरिस्मेटिक समझते हैं आप, ऐसे पर्सन हो जिसके ऊपर पूरा ये भरोसा कर सकते। कॉन्फिडेंशियल आप पर्सन हो, भरोसेदायक पर्सन आप हो जी। आपके आपका खुद का एक क्या बोलते, एक स्ट्रांग हिटेड पर्सन आप में, खुद में एक ऐसे एक स्ट्रांग पर्सनलिटी आप हो कि
सिचुएशन कोई भी हो, लाइफ कोई भी हो, और आप किसी भी हालात में हो, बट अपने हालात के आप एम्परर हो, अपने हालात के आप बॉस हो। ये पर्सन खुद भी मुझे लगता है बहुत मैच्योर पर्सन है, एजेड पर्सन मुझे लगते हैं, 35+ 45+ इनकी एज हो सकती है। इनका ऑलरेडी एक स्ट्रांग अबेंडेंस, इनकी ऑलरेडी एक इनका ऑलरेडी स्टेटस है, एक अच्छे पोजिशन पर ये पर्सन जॉब में है। यहाँ पे किसी कोई बैंक में हो सकता है, कोई किसी कंपनी का बॉस, ऑथोरिटिव सीए, ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसकी सब बातें सुनते हैं। एक ऑथोरिटी पब्लिक आई फिगर ये पर्सन मुझे हैं लगते हैं। यस, इनके लिए आप इनके डिस्टेंट पार्टनर हो, डिस्टेंट इन्हें आप दोनों को मिलाया है और इस प्यार में ये पर्सन रहना चाहते हैं। क्लैरिटी के साथ, एक एक्शन के साथ, पैशन के साथ, एक अबेंडेंस, सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। लव रिलेशनशिप है, अगर आप यहाँ से यहाँ पर अगर अच्छे से देखेंगे तो अंदर यहाँ पर दिल है, और अगर कलर आप देखेंगे तो ये सैक्रल चक्र का कलर है, जैसे कि इनका सैक्रल चक्र ओपन हो चुका है। आपके रिलेशनशिप में जितने ब्लॉकेज थे मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक हट चुके हैं। ये पर्सन आपको लेकर एक सच में प्यार, एक लव कनेक्शन फील करते हैं। इस रिलेशनशिप को अगर कैंडल के साथ ये रिश्ता आ रहा है तो इस डिवाइन एनर्जी इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है, या फिर डिवाइन एनर्जी खुद इस रिलेशनशिप में वो एक्शन लाना चाहती है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। ऐसा पेंटेकल्स इनके जी, देखिए इन्होंने खुद ही आपको डिटैच करके रखा था, ये अच्छे से बात नहीं कर रहे थे ये पर्सन आपसे, या फिर ऑलरेडी इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है, कंट्रोलिंग पावरफुल फीमेल है। देखिए किंग ऑफ पेंटेकल्स को किंग ऑफ पेंटेकल्स ने क्लेरिफाई किया है, क्या मैं बोलूँ, एंजल कितने स्ट्रॉन्ग जी, नाइट ऑफ क्वीन ऑफ पेंटेकल भी आ गई। या ऑलरेडी अगर मैरिड रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी का मसला था और थर्ड पार्टी कोई सिंगल पर्सन थी, विडो पर्सन थी, डिवोर्सी पर्सन थी, वो तो उसको कट कर दिया पर्सन ने, आपके साथ रिलेशनशिप की ये पर्सन शुरुआत करना चाहते हैं। जी हाँ, इन्होंने आपको अप्रोच किया है, शायद आपको डेट के लिए भी इस पर्सन ने पूछा है या फिर पूछेंगे। इस पर्सन के मन में इसी चाह कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, जहाँ आप एक लंबा क्वालिटी टाइम आप इनके साथ बिता सको। क्लियरिटी किस बात के लिए देंगे, देखिए इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत धोखा बिटेल आपके साथ हुआ था, बट अब ये पर्सन इस बात की क्लैरिटी आपको देंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक के पर्सन देने वाले हैं। किंग ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों एंजल जी जी जी, हेल्प रिस्टेस, ये पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिव समझते हैं। यस, आप ब्यूटीफुल तो इनको लगते हैं, आपका एक वेल स्टेबल आप हो, मतलब मैच्योर पर्सन हो आप, ऐसे पर्सन समझते आपको कि आप अपने लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आई है बेटे, आसानी से तो नहीं, दिक्कतों से आपने सामना किया है इसको और आपने अपनी लाइफ आसान बना दी है। इतने मैच्योर आप हो, इतने इंट्यूटिव आप हो। इस पर्सन आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड मानते हैं। एक हमेशा मेरे रीडिंग में एक कार्ड आता है, एक हीलर का कार्ड है, एक टैरेट का कार्ड है, आप खुद एक टैरेट का रीडर हो, एक इन्फ्लुएंसर हो, हीलर हो, या फिर आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े कुछ काम करते हो, जैसे एस्ट्रोलॉजर हो गए, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, ऐसा कुछ आप काम करते हो जिससे लोग आपकी सलाह लेते हैं और आप लोगों को अच्छे से एक अच्छा वेल बैलेंस ऐसा आप लोगों को एक एडवाइस देते हो, ये आपकी एनर्जी है। ऐसा नहीं है तो आप डॉक्टर हो, कहीं टीचर हो, बट ऐसा काम आप डेफिनेट करते हो जहां लोग आपको पूछते हैं, एक स्ट्रांग पोजीशन पे आप हो। हाँ, ये पर्सन देखिए आपको अपना सोलमेट मानते हैं गाइस, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको लंबे, मतलब ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, कॉलेज टाइम का फ्रेंड है, और ये लंबे टाइम बाद ये पर्सन या तो आप मिलके ही बिछड़ गया था, ये नई शुरुआत करना चाहता है, नहीं तो आपके लाइफ में किसी ऐसे सोलमेट की एंट्री मुझे दिख रही है जो रिश्ता अधा अधूरा छोड़कर चला गया था। एस ऑफ मैन जी हाँ, आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोग थे, बहुत सारे झगड़े थे और इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ब्लॉकेज आए थे। इधर टेन ऑफ सोर्स की जो एनर्जी थी, या तो थर्ड पार्टी हो सकते या फिर कोई और लोग, जैसे इनके पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, या फिर कलीग्स हो गए, आप लोगों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए, जिन्होंने आपके रिलेशनशिप में काफ़ी एक ब्लॉकेजेस तैयार किए थे या फिर ब्लॉकेजेस बनाए थे, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। बट अब ये पर्सन उसको क्लैरिटी देकर उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। जितने भी लोग झगड़ा लगा रहे इन सब सभी को ऐसा पीछे छोड़ के ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं। एक बात मैं आपको साफ साफ तौर पर बता दूँ, अगर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करते हैं या फिर ये पर्सन
हाँ, कोई डिमांड आपसे करते, हो सकता है वहाँ पे आपकी कुछ अर्ग्यूमेंट हो जाए, एक कम्युनिकेशन के साथ अर्ग्यूमेंट की मुझे बात लग रही है, बट ये अर्ग्यूमेंट इतने बड़े नहीं होंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून के एनर्जी क्यों है एंगल? जी हाँ, देखिए आर्ग्यूमेंट यहाँ पर जैसे मैंने एनर्जी पिक की, तो हो सकता है आर्ग्यूमेंट इसलिए हो सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लाइफ में अभी भी थर्ड पार्टी है, ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में स्टक है, क्योंकि आपको इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं है। अगर ये आपके साथ मैरिड और इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, और थर्ड पार्टी ऐसी थी कि जो एक सिंगल मदर है, डिवोर्सी है, या फिर विडो है कोई, या फिर मेल फीमेल, आप देख लेना, मैं फीमेल हूँ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, पास में जो बातें बिगड़ी थी उसको सुधारना ये पर्सन चाहते हैं, पर जब भी ये पर्सन कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया। तो आर्ग्यूमेंट का टॉपिक क्या होगा कि आपको लगता है कि आपको भरोसा नहीं कि इस पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है या नहीं है, ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में स्टक है, जबकि ये पर्सन आपके साथ इस लाइफ को एक डेस्टाइन कनेक्शन मानते हैं और इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, बट आर्ग्यूमेंट हो गए तो थर्ड पार्टी को लेकर होगी, क्योंकि आपको इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं है, आपको लगेगा कि ये पर्सन अभी भी उस थर्ड पार्टी में स्टक है। हेड ऑफ हैंड्स एनर्जी क्यों है एंजल? पेज की एनर्जी मुझे लगती है कम्युनिकेशन होगा या फिर ऑनलाइन स्टॉकिंग बहुत होगी, और स्टॉकिंग इसलिए होगी कि वाकई इस पर्सन ने थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लिया है, या फिर अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे और इन्होंने सडनली आपसे बातें की थी, तो शायद आप उनके उन्होंने आपसे बातें करना छोड़ दिया तब से लेकर, ये जब तक आपका अप्रोच नहीं करते तब तक आप इनको स्टॉक करेंगे, बट एक कम्युनिकेशन आएगा। कम्युनिकेशन आने के बाद मैं आपको फोन कर देती हूँ, जब तक सिचुएशन आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, आपके बस में नहीं है, तब तक आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे ये पर्सन वापस चला जाए, क्योंकि ऐसी हरकत आप करते हुए मुझे दिख रहे कि जिससे वजह से हो सकता है ये पर्सन मायूस होकर चला जाए। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है जी? माफ़ी तो मांगने वाले ये पर्सन आपके आपसे, क्योंकि आप क्या करेंगे ना, आप अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इतना कुछ गलत किया है, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंटली पता है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को लेके चल रहा है, ये कहीं और मैरिड है, और या तो ये पर्सन कुछ ऐसा बोल सकता है आपको कि इस रिलेशनशिप को ये कहाँ तक लेके जाएगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि स्टेबल फाउंडेशन आपको मिल रहा है, आने के बाद जब आपको कुछ इंटिट्यूली आपको पता चलेगा, क्योंकि आप इंटिट्यू हो, इंटिट्यूली अगर आपको कुछ पता चलेगा तो इसको लेकर आप में आर्ग्यूमेंट होगा। आर्ग्यूमेंट यहाँ तक होगा कि शायद इमोशनली विड्रॉ या तो आप करेंगे या तो ये पर्सन करेगा, खास कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है जिससे झगड़े होंगे, ट्रस्ट इश्यू इस रिलेशनशिप में, लगेगा आपको कि थर्ड पार्टी को भी अपने साथ स्टक करके ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में आया है, बट इतना सब होने के बाद भी इस पर्सन को इस बात की रियलाइजेशन होने वाली है आपका गुस्सा सही था, आपका स्टैंड सही था, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि ये पर्सन बहुत रिग्रेट करते हुए दिख रहे, रिग्रेट के साथ ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे। डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी थी, और जो थर्ड पार्टी की से इनका रिलेशनशिप सेक्सुअल डिजायर पे ज़्यादा था, तो ये चीज़ वैसे भी आपको इतना स्वस्थ नहीं रहने देने वाली। ये पर्सन ये जो चीज़ है जिन्होंने थर्ड पार्टी को रखा था इस रिलेशनशिप में, ये आपको बहुत गंदे तरीके से अभी भी इमोशनली तोड़ देती है, और इसीलिए आप स्टेबल नहीं हो पाते। ये पर्सन आपको कितना भी अप्रोच कर क्यों ना कर ले, आपकी एक मेंटेलिटी होती कि जो बार बार उस चीज़ पे जाती है, क्योंकि आप उस चीज़ को अभी तक हील नहीं कर पा रहे हो, इस चीज़ का आपको अभी भी तकलीफ होती है, दर्द होता है। जब भी ये दर्द होता है आप क्लैरिटी मांगते हो, आप एश्योरेंस मांगते हो, आप एक ट्रस्ट इश्यू तो आप मांगते हो कि मेरा ट्रस्ट इश्यू आप क्लियर कर दो। क्लैरिटी मिलती है बट ट्रस्ट आपका नहीं बनता इस रिलेशनशिप के ऊपर, यही दिक्कत है। बट आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, देखिए ये पर्सन सच में आपको एक इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट मानते हैं, या आपको एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल लेडी मानते हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैजिशियन की भी हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है, ये पर्सन दिन रात आपको आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको बहुत कैरिश्मेटिक मानते हैं ये पर्सन। आप ऐसे पर्सन हो कि फियरलेस, आप मीन कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, ऐसी लेडियों का आपको किसी लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट आप हो, उभरता सितारा हो, आप ऐसे पर्सन हो जी जो इनकी लाइफ
उस जहां तक लेके जा सकता है जो ये सोच रहे हैं, उस मुकाम तक आप इनकी लाइफ लेके जा सकते हो जो पर्सन सोच रहे हैं। इनकी करंट एनर्जी बहुत अच्छी है। अब देखते हैं क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। जाके जो माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। प्लीज गाइड मी आर्केंजल माइकल, एंड थैंक यू आर्केंजल माइकल हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए, मेरे दर्शकों को गाइडेंस, सही गाइडेंस देने के लिए। तो मेरी फैमिली की ओर से, अपनी ओर से आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू, प्लीज गाइड मी। जी नेक्स्ट एक्शन, जी जी, मतलब आपका सही है भाई, आपका इंट्यूशन सही है। झगड़े होंगे और इस रिलेशनशिप में फेस आपको लगेगा ये धोखा हो गया, बिट्रेल हो गया है, जिसको आप अपनी विश फुलफिलमेंट समझते, ये पर्सन अपनी विश फुलफिलमेंट समझता है। प्लीज गाइड मी आर्केंजल माइकल, क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स, प्लीज गाइड मी। हम क्लैरिफाई भी करेंगे, डोंट वरी। जी जी, आपकी इंट्यूशन सही है, सही है आपकी इंट्यूशन। सीक्रेट कुछ बहुत मैनिपुलेटिंग करेगा ये पर्सन आपको, अपने पूरे हाई प्रिस्टेस मैजिशियन हाई प्रिस्टेस किसी के ऊपर स्पेल वर्क किया जा रहा है ताकि आप इनकी बात मान लो, इनकी बातें समझ लो, इंटिट्यू आप पकड़ लेंगे बट, या फिर आपने पकड़ लिया है ऑलरेडी। लवर, जी हाँ, आपको चाहिए, आप इनकी लाइफ में चाहिए, इसीलिए ये पर्सन आपके ऊपर स्पेल करवा सकता है। जी इंट्यूशन के ऐसे आपको हार्म करने, सेवन ऑफ सोर्स भी आया है, उसको भी देखेंगे भाई। मतलब ये चाहेंगे कि आप इनको अपने लाइफ में लाए, भाई आपके साथ कितनी भी चीटिंग क्यों ना करें बट आप इनके साथ बने रहें, ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है। मीन्स ये थर्ड पार्टी के साथ भी रहेंगे, सन है जी रिलेशनशिप में, हैप्पीनेस है, खुशियाँ है, सब कुछ है, बट आपका जो सवाल अटकता है ना, ट्रस्ट इशू, थर्ड पार्टी कम्प्लीटली रिमूव हो गई है और ट्रस्ट इशू है, इसको लेकर जब भी आप इस पर्सन को पकड़ते हो, ये पकड़ा जाता है आपका, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना जाए, आप उस बारे में ज़्यादा ना सोचें और आप कम्प्लीटली इस पर्सन के फ्लो में आके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें, इसके लिए आपके ऊपर कोई स्पेल मैजिक हो सकता है। ये आपके लिए धोखे से कम नहीं है, क्योंकि स्पेल के थ्रू अगर आपको कन्विंस किया जाता है रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप नहीं है तो मुझे लगता है कि शादी का जैसा देके एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके ऊपर एक स्पेल किया जा सकता है नेक्स्ट में। ये भी एक धोखे की तरह है, क्योंकि जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके साथ ऐसा कैसे हो गया, तो भी आपको ऐसे लगेगा कि भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा बीटर मेरे साथ हो कैसे गया, और फिर हो गए झगड़े, क्योंकि सारी बातें हिडन है, सारी बातें सीक्रेट है। ये पर्सन बहुत चतुर चालाक लोमड़ी की तरह है, अपना बहुत दिमाग इस्तेमाल करने वाला है। ये आपका ट्विन फ्लेम है, यस आप बोलेंगे मैम ट्विन फ्लेम कैसे, जी हाँ अनअवेकन ट्विन फ्लेम किसी नार्सिसिस्टिक से कम नहीं होता है, उसका दिमाग इतना तेज होता है कि भाई किसी जीनियस की तरह इसका दिमाग होता है अनअवेकन ट्विन फ्लेम का। सब खूबियां होती है और आप उनके फेमिनाइन है तो भाई आप इनके बहकावे में आना ये तो लाजमी होता है, क्योंकि आप एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है तो हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, हाई वाइब्रेशन सोलमेट मीन्स क्या, आपने कई जन्म एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो ऐसे में उस सोल का, आपकी सोल की हर हरकत का पता होता है उसको अच्छे से, उसके कॉन्शियस माइंड को अच्छे से पता हो कि क्या बात करने से आप इनके जैसे में आसानी से आ सकते हैं। तो हाई वाइब्रेशन सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन जितना भाई फैंटेसीज लाइफ में जितना लगता है कि इतना ब्यूटीफुल एक फेरी टाइप फेरी लैंड में आप जी रहे ऐसा लगता है, तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो आपको हमेशा ये बात सोचनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आएगी, क्योंकि जो कुछ भी जाएगा रिश्ता आगे उसको लेके बहुत ऐसा लगेगा कि भाई क्यों हुआ हो गया, एक स्ट्रेस एंजाइटी धोखा एक बिट्रेल आपके साथ मुझे होता हुआ दिख रहा है। जो रिश्ता आपको लगेगा कि जो प्यार आपको लगता है कि भाई ये विश फुलफिल वाला प्यार है, ये प्यार आप इनसे मैनिफेस्ट करते, ये प्यार इनसे चाहते थे, ऐसा कुछ आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो,
और एक कम्युनिकेशन आ रहा है कि एक्शन इस पर्सन की ओर से आ रहा है, बट उस एक्शन में एक चोर है, जो चोर आपको आगे चलकर क्या करेगा, शादी का झांसा देकर ये चोर आपको वापस उस एंजाइटी में लाएगा। ऑलरेडी अगर मैरिड रिलेशनशिप है तो बच्चों के लेकर एक पर्सन कुछ अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, बट जहाँ पे बात प्यार की आती है, इमोशंस की आती है, तो यहाँ पे आपके इमोशंस के साथ मुझे खिलवाड़ होता हुआ दिख रहा है। फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है आपके माइकल, प्लीज गाइड मी। किंग ऑफ सोर्स, आगे चलकर जैसे इस पर्सन का काम निकल जाता है ना, देखिए ये अगर कई और मैरिड है और इस पर्सन ने ऐसा कुछ बोला है ना आपको कि भाई आपके साथ रहेगा, तो आपको चीट करके अपने मैरिड रिलेशनशिप में जाएगा, बहाने ऐसे देगा, मैजिशियन की एनर्जी, बहाने ऐसे देगा कि पूछो मत, आपको आपको आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर पाएंगे। सीक्रेटली अगर आप मैरिड हो तो सीक्रेटली एक इनका लव रिलेशनशिप रहेगा। सोर्स की एनर्जी क्यों है जो आपको बाद में पता चल जाएगा, अगर आप इनसे कमिटमेंट मांगते हो रिलेशनशिप के, तो आपको भाई मनाने के लिए कोई, मुझे लगता है कोई स्पेल होगा इनके लाइफ में, कोई ऐसी फीमेल है, वहाँ पे भी उनके करंट एनर्जी में मुझे थोड़ा लगा था कि इनके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जिसके इंटिट्यूली या फिर स्पेल के लिए पर्सन इससे कॉन्टैक्ट करते हैं। टेन ऑफ सोर्स फाइव ऑफ कप जी, मिस करेंगे क्योंकि आपके साथ जब भी धोखा होगा ये चला जाएगा, एक सेपरेशन आएगा, तो थोड़ा मुझे लगता है ये चीज़ होगी। मून जी हाँ, सीक्रेटली बहुत चीज़ें हैं, आप डेफिनेटली आपके साथ पास कुछ ऐसा है, या तो आपके लिए जो रिलेशनशिप लगता है आपको कि सब मिल गया, आपको सारे जहाँ का सुख मिल गया, बट वहाँ पे बहुत कुछ हिडन है, संभल कर रहो। पेंटेकस जस्टिस जी, देखिए मैरिड रिलेशनशिप है, कोई थर्ड पार्टी है, तो मुझे किसी के लिए इंट्यूशन आई थी कि देखिए किसी भी पेज पर आप साइन मत कीजिए, क्योंकि यही धोखा हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट पर साइन ली जाए और डिवोर्स के लिए सीधा क्लेम किया जाए, ऐसा हो सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिए क्योंकि मन में चोर लेकर ये पर्सन आ रहा है रिलेशनशिप में। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है जी, झगड़े बहुत होंगे, चीटिंग पकड़ी जाएंगी, झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे। मुझे लगा क्लेरिफिकेशन में तो कुछ अच्छे कार्ड्स आएंगे, बट नहीं आ रहे। फोर ऑफ वैंड्स जी हाँ, टेन ऑफ सोर्स बहुत जी, अटक जाएंगे आप किसी सिचुएशन में, आप अटक सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी चार कार्ड आए है, तो आपका डेस्टाइन कनेक्शन बट थर्ड पार्टी रहेंगी, जिसकी वजह से ये तो भी धोखा तो होता हुआ दिख रहा है मुझे। यह तो आपका डेस्टाइन है, आपका मैरिज रिलेशनशिप ऑलरेडी हुआ है, बट इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट और थर्ड पार्टी स्टक के आपके पर्सन के लाइफ से जा नहीं रही है, और इसी बात का एक क्या होता है आपको, वही धोखा, वही बिट्रेल आपको होगा इस रिलेशनशिप में। अगर मैरिड है तो ये कहीं और मैरिड है तो भी अपने मैरिज को चॉइस करेंगे, बोलेंगे कि भाई ये मेरा डेस्टाइन कनेक्शन है, और आपको ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। मैजिशियन कहना चुकी हैं जब जी हाँ, मैजिशियन के एनर्जी को बोल रहे, ये बहुत चालाक आर्ग्यूमेंट ऐसे डालेंगे ना, पॉलिटिकल दिमाग है ना इनका, मटेरियल पॉलिटिकल दिमाग है, ऐसा ही कुछ डालेंगे भाई, वो मेरा एक क्या हेरोफेंट एंड मैजिशियन पे बोलो मत, ये बहुत ही गंदे वाले पॉलिटिशियन वाला दिमाग होता है, इनसे कोई आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकता है, इनके बस आप सुनते जाओ, ऐसा ही कुछ आपके सामने कुछ प्रस्ताव रखेंगे या फिर कुछ इनकी ऐसी साइड रखेंगे, इसके वजह से इस रिलेशनशिप को आपको लॉस्ट करना पड़ेगा। मींस इन शॉर्ट क्या है, सबोटेज आपको कर देंगे, बट इन स्पिरिट विद अ कन्विंसिंग मैनर। हाई प्रिस्टेस और आपको पता है ये बस, इसीलिए आप इनके करंट एनर्जी में भले आपके साथ भाई प्यार का कप लेके आते हो, बट आप इनसे उन सवाल जो खड़े खड़े एक सवाल ना पूछे, इसलिए बहुत अच्छा अच्छा बेबीश होना करके ये आती है ताकि आपके दिमाग से जो सवाल चल रहे हैं इनको लेकर, इनकी लॉयल्टी को लेकर हट जाए, बट आप डटे रहते हो, फिर आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है भाई, ऐसे हालात है तो आपको तो कुछ सवाल तो पूछने ही चाहिए, कट कर देंगे ये, आपको डिटैच करके रख देंगे। कोई थर्ड पार्टी है ना वो कंट्रोल कर रही है इनको। क्या है लवर की एनर्जी,
हर्मिट मोड, आइसोलेशन मोड में डालेंगे ये रिश्ता। आइसोलेशन मोड में जाएगा। बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पे, मनी माइंडेड भी पर्सन, थोड़े सेल्फिश भी, लेडो कर देंगे आपको। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों नहीं है, ओपन माइंडेड होकर सुनना है गाइस। क्योंकि देखिए लाइफ में अगर समस्या है तभी आप आते हो, और आपको अगर समस्या सच में जाननी है क्या होगा, क्योंकि ये कार्ड्स है ना, मुझे आपकी लाइफ पता है, आपको इंटीट्यूटिवली पता है, बट आपको आपने एक थॉट प्रोसेस बना ली है जिसके ऊपर या तो आप सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते हैं। बट ये कार्ड से विद्या है, ये वही बता रहे हैं जो आपके साथ हो सकता है। इसमें ना मैं कुछ बोल रही हूँ ना आप कुछ बोल रहे, बट इनको पता है सारे हिडन सीक्रेट्स। फूल बना के जाएंगे ये पर्सन, आपको वापस इसी बात का ग्रज रहेगा कि भाई ये वापस मुझे बेवकूफ़ बना के चला गया। कमिटमेंट फ्री पर्सन है गाइस, कमिटमेंट नहीं देने वाला, कमिटमेंट देगा ऐसा बोल सकता है, कमिटमेंट फॉलो करना दोनों डिफरेंट बात है। और यही बात, ये एंजाइटी बहुत हो रही होगी आपको इस रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ इश्यू बहुत होने वाले हैं, आपकी नींद जाने वाली है, आप ठीक से नहीं सो पाएंगे, अभी भी नहीं सो रहे, आगे भी नहीं सो पाएंगे। सेवन ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स, टेन ऑफ सोर्स, दो दो डेक से इतने सारे सोर्स आ रहे हैं, ऊपर से क्या क्लैरिटी दे रहे पर करंटली पता नहीं, आगे चलकर तो वही खिचड़ी करने वाले हैं। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे जी। मैजिशियन विद सन, ये मुझे मैरिड रिलेशनशिप में भी बड़ी दिक्कत दिख रही है आपके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, और ये अगर कहीं और मैरिड है, आपसे इनके मिलने के लिए फिर कमिटेड रिलेशनशिप रखने के लिए भी इनके लिए बोल रहे ना, वहाँ पे भी काफ़ी सारा पॉलिटिकल दिमाग यूज़ करेंगे ये, और बाद में आपको पता चलेगा कि ये पर्सन फिर से मेरे इमोशंस के साथ, मेरे भावनाओं के साथ खेल गया, और यही बात का ग्रज आपको मिलने वाला है आगे चलकर। इसीलिए आप अभी भी इनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रखते, और आगे भी आपकी यही हालत रहेगी कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं रखेंगे, बट ये पर्सन कुछ स्पेल करके आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपका ब्रेन कंट्रोल करेंगे ताकि आप इनकी बात मान जाए। आप इनकी बात मान भी लेंगे, बट जब जैसे स्पेल का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है तब आपको समझ में आता है कि इसने आप वापस आपके साथ कैसा गेम खेला है, और इसने आपको वापस कैसे उल्लू बनाया है। और यही आपको दिल के ऊपर जो बोझ बढ़ता है ना, वो आपको सोने नहीं देता है। किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, करंट एक्शन में किंग ऑफ हैंड्स, क्वीन ऑफ हैंड्स, किंग ऑफ पेंटेकल, क्वीन ऑफ पेंटेकल, ऐसा आ रहा था, जैसे एक्शन चाहते, स्टेबिलिटी चाहते, सब कुछ करते, फ्यूचर में वही एनर्जी कंप्लीटली सोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जैसे इनका काम निकल जाता है ये अपने औकात पे आ जाते हैं। ओवरऑल फैमिली लाइफ, अगर मैरिड रिलेशनशिप या मैरिड कपल देख रहे, फैमिली लाइफ अच्छी रहेंगी, क्योंकि इनको बनानी है, फैमिली रिलेशनशिप बनाना है, बट फैमिली रिलेशनशिप में जो भी इमोशनल प्यार वाला बॉन्डिंग चाहिए वो अगर ढूंढ रहे तो वहाँ पे आपको निराशा मिल सकती है। अगर आप इस रिलेशनशिप के प्रैक्टिकल दिमाग से जाएंगे ना, गो विद फ्लो, चलो जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। मेरे ख्याल से आपको ऐसे ही जाना चाहिए, कौन सी सोच आपको खुश रखती है आपको ये देखना चाहिए। राकेश या माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। थ्री ऑफ सोर्स, हार्ट ब्रेक, फोर ऑफ कप, लॉस ऑफ रिलेशनशिप, बैलेंस, अच्छा जी, निकाल लेती हूँ, फिर मैं बाद में आपको एक एक कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर्चून, फायर, पेंटेकल्स, फैंस एंड एक्स्ट्रा ये आ चुका है, इसको भी ले लेते हैं। बॉटम से टेक इज दिस, ओके जी हाँ, इस रिलेशनशिप में एक हार्ट ब्रेक दिख रहा है, लॉस ऑफ रिलेशनशिप की एनर्जी रहेगी, कि
शायद लॉस्ट हो गए रिलेशनशिप ऐसा, बट बैलेंस का एनर्जी है क्या है ना, कुछ बातें है टेम्परेंस, वर्ल्ड की एनर्जी, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट तो वैसे ही लगती है जी मुझे। अब बैलेंस करना होगा आपको, जैसे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक तो आपका मुझे कंटिन्यू दिख ही रहा है आगे चलकर, आपको ही बैलेंस करना पड़ेगा, या तो थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि कंप्लीटली हट ही जाए थर्ड पार्टी, भाई थोड़ा इस वक्त तो मुश्किल लग रहा है। हम लोग बार बार एनर्जी चेंज करते रहते हैं, तब देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के मुझे दो कार्ड यहाँ पे आए हैं, अगेन वर्ल्ड कार्ड, अगेन थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी का ये इंडिकेट करता है। जी हाँ, आप चाहेंगे प्यार की शुरुआत हो, ये क्या है ना भाई, आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, आपको इनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तब रहेगा थर्ड पार्टी के साथ भी। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो इस रिलेशनशिप में आपको मिलेगा प्यार इस पर्सन से, ये रिश्ता एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरह या फिर टीम की तरह ये रिश्ता आगे जाएगा, अंडरस्टैंड कनेक्शन इसलिए। बट वो जो एक पार्ट होता है ना मैरिज रिलेशनशिप में, पार्टनर्स एक्सपेक्टेड, वहाँ आप मिसिंग रहेंगे, पर्सन एक्शन आपको लेंगे, बट यहाँ पे हिडनली एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप मुझे लग रहा है सिक्रेटिवली। बहुत ज़्यादा आप राड़ा भी करेंगे ना, तब शायद दिखाने के लिए हो सकता है कि भाई चली गई थर्ड पार्टी जी, आप हैंग हो जाएंगे इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में रहना आपकी मजबूरी है, इतना समझ सकती हूँ, इसीलिए इतना पेन होने के बाद भी आप इस रिलेशनशिप में रहते हो, कंफ्यूज रहेंगे आप। देखिए थर्ड पार्टी अगेन यहाँ पे जी, क्यों आपको लगेगा कि इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी बची है, क्योंकि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। आपको बस आपके बच्चों का फ्यूचर पड़ा है, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे, समझ नहीं पाएंगे आप मुझे क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, बट बच्चों का कोई फ्यूचर है यहाँ पे, इसीलिए आपको रहना पड़ेगा। वर्ल्ड को क्लियरिफाई कीजिए, थर्ड पार्टी नहीं छोड़ेगी, आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी है तो वो नहीं छोड़ेगी। मैंने कल परसों थर्ड पार्टी के लिए भी रीडिंग डाली थी, वो क्यों नहीं छोड़ेगी इसका पूरा पूरा डिटेल, एक घंटे का रीडिंग है, वो देख सकते हो आप। ऑप्शंस है भाई इस पर्सन के लाइफ में, देखिए मुझे लगता है बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में ये पर्सन रहता है, इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस है, और लोगों से पर्सन भाई प्रपोज देगा, कम्युनिकेशन रहेगा, या फिर इस पर्सन के लाइफ में जो हमेशा ऑप्शंस रहते हैं, ये पर्सन सबसे वो फ्लटिश एनर्जी में बात करता है, इसको ऑप्शन लेके चलना अच्छा लगता है, एक भाई डिसीजन लेने की आपका एक दिमाग जा रहा है कि मुझे भाई इसका प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करना है, अगर इस रिलेशनशिप में मुझे कोई जस्टिस देता है, ऑप्शन से अपने डिटैचमेंट करता है, तब आप ठीक हो, आप तभी मुझसे बात करो, आइंदा आपको मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं, जो अपने ऑप्शंस के साथ रहूं, अगर आप साथ में रहकर ही इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ऐसी कुछ बात हो सकती है कि इस पर्सन के लाइफ में जो ऑप्शंस है जिसकी वजह से परेशान होकर आप उनको कोई डिसीजन सुना दें। नहीं यहाँ पर नाटक कर देगा, अगर इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस हमेशा रहे हैं तो ये पर्सन खुद भी आपसे बोल सकते हैं कि आप इस ये ऑप्शंस के साथ बात नहीं करेंगे, आपको ऐसी बात कुछ हो सकती है, आपके फेवर में भी बात हो सकती है, बट क्या है ना कि ये पर्सन अप्रोच करेंगे, आप बोलेंगे भाई भरोसा नहीं है, मिस करेंगे इस रिलेशनशिप में, किसी एक की जाने की एनर्जी है, या फिर किसी एक ने सोच लिया है कि जो होगा सो होगा, मैं देख लूँगा देख लूँगी, और एक मिसिंग वाली एनर्जी है।
देखिए इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना, जितने आपकी ज़रूरत है बाद में समझ में आ जाएगा इस पर्सन को, इसकी खुद की भी ज़रूरत है कि इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, क्योंकि ये इसका खुद का भी एक वेल स्टेटस है समाज में, सोसाइटी में, ये नहीं चाहेगा इम्बैलेंस हो जाए। तो जब आप एक डिसीजन लेंगे, आप इनके सामने डिसीजन खड़ा कर देंगे, तो भाई इनके भी पैर के नीचे से ज़मीन हिलने वाली है। तो इनको समझ में आ जाएगा कि अरे इसमें तो अकेले इसका लॉस नहीं, इसमें तो मेरा भी लॉस है। तो ये पर्सन खुद इसी कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते को बैलेंस करें। व्हील ऑफ फॉर्चून के नजीक है मुझे, एम्प्रेस। जी हाँ, ये तो भाई मुझे विजय हो गई, एम्प्रेस ऐसी फील आई। सबसे पहले बेस्ट टाइम पार्टनर आप हो, तो भाई इनको भी कुछ ना कुछ हालात से क्या बोलते समझौता करना पड़ेगा। आपने तो कर लिया है, आप इनको भी मजबूर कर देंगे। फाइव कप की एनर्जी क्यों है, एम्प्रेस की ही विजय है इस रिलेशनशिप में। ये चोर की रुकता ही नहीं है, देख रहे आप। कहाँ पे आया था भाई सेवन ऑफ सोर्स, कहाँ पे आया था, कहाँ पे छुपा है ये, करंट पे आया था जी। ये चोर है कि भाई रुकता नहीं है, फंसाने की फिरात में है भाई चोर। चोर ऐसी कोई कोशिश कर रहा है कि किसी लीगल मैटर में आपको फंसाया जा सकता है। या फिर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में अटका था, ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में अटका था, तो भाई इस पर्सन के साथ हो गया धोखा, क्योंकि थर्ड पार्टी कर रही है पैसे की डिमांड। वहां से निकलने की कोशिश इनकी ओर से होगी, मिस भी करेंगे। बताया था वाइफ ने, बताया था हस्बैंड ने, मत जाओ मत जाओ मत करो, बट हमने तो नहीं किया। किसके लिए आएगी एनर्जी पता नहीं, बट आपको समझ, थोड़ा सा भाई होशियार रहो। आँख मन कर बार बार आँखों के ऊपर पट्टी क्यों रहती है आपकी, यहाँ पे भी पट्टी, यहाँ पे भी पट्टी, क्या चल रहा है आपका? कहीं भी साइन करोगे इनके कहे पे जाएंगे तो भाई फिर तो एंजल आपको बोल बोल के थक गए। किंग ऑफ पैंट्स करने की क्यों है एंजल, ओह गॉड, डेथ। किसकी किंग की डेथ हो रही है, सॉरी पता नहीं ऐसा ही कुछ है जी। एंड चीटिंग, डिवोर्स, जस्टिस, एट ऑफ सोर्स, क्या बोलूं मैं, और फिर बाद में एंड। डेथ को फिर से क्लेरिफाई कीजिए एंजल, बात की एनर्जी मून की, इसलिए मैं अच्छी एनर्जी नहीं दे रही आपको, क्योंकि मुझे खुद मैसेज आ रहा है झगड़े होंगे जी। मुझे लगता है डिवोर्स हो रहा है किसी का, फाइनल आउटकम है। मून की एनर्जी क्यों है, प्लीज गाइड मी अर्चन जी, मैं मून की एनर्जी क्यों है। ये पर्सन भाई जगलिंग में आपको रखने में रखेगा, मैं बोल रही ना, अगर ये पर्सन आपको इनडायरेक्टली ऑप्शन क्या दे रहा है कि अगर आप थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रह के इनसे रिलेशनशिप बना के रखते हो तो अच्छी बात है। इस रिलेशनशिप में आप रहेंगे भी, बट वो इमोशनली सेटिस्फेक्शन रहता है वो आपको नहीं मिलेगा, ये अपने अंदर ही आपको तोड़ने वाली एनर्जी रहेगी, जो आपको रह के भी वो सुकून नहीं मिलेगा। ऐसे रिलेशनशिप पे रहते हो तो इट्स वेल एंड गुड, अगर आप आवाज उठाते हो तो आपको खुद भी फंसाया जा सकता है। आपको करना क्या है, किसी भी हालात में इस पर्सन के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं रखना है। एक अगर थॉट प्रोसेस बना लेती हो कि ये पर्सन गलत है, बट इसके साथ रहना आपकी मजबूरी है, तो एक थॉट प्रोसेस लेकर आप इस रिलेशनशिप में आगे जा सकते हो। अदरवाइज इस रिलेशनशिप से निकलना आपके लिए पॉसिबल है, तो आपके लिए आप इसके लिए कोशिश कर सकते हो। यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल की भी एनर्जी आई है, और फाइनल आउटकम में या तो ये खुद कर सकते हैं या फिर इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी ये करवा सकती है। बट इस रिलेशनशिप में आपको एक स्टार्ट चाहिए, तो आप
आपसे भी एक एक्शन एंजल बोल रहे कि ये तो हो के आपका जो आउटकम है ये आपको हो गया, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे रहना है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये तो आपका लाइफ का कैलकुलेशन हो गया अभी आगे का, फिर ही आपको देखना है कि आपको क्या करना है। जगलिंग में रहना है, थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग यूज़ करके अपना टाइम निकालना है, या फिर इमोशंस के डिमांड करते हुए इस पर्सन के फिर से किसी चालाकी का शिकार होना है। ए डिपेंड ऑन यू। क्या होता है ना गाइस कि रिलेशनशिप में जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, मैं जो अफेयर वगैरह जो बात होती है ना, इस पे एक शॉर्ट में बोलूँगी कि इस रिलेशनशिप में क्या होती है, घुटन होती है, किसी एक पार्टनर की घुटन होती है। एक तो थर्ड पार्टी एंजॉय करके अपनी लाइफ आसानी से जीता है, साथ वाले पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, तो साथ वाला जो पार्टनर है जो हमेशा किसी लव के लिए तरसता रहा है अपने पार्टनर से, और वो पर्सन वो पार्टनर कहीं और अपना प्यार निभा रहा है, वो कहीं और अपना प्यार लुटा रहा है। ऐसे में इस पार्टनर की जो व्यूवर्स मैं कंसिडर करती हूँ, इनकी जो ऐसे लोगों की जो होती है कि घुटन होती है, तो ये तलाशते हैं बाहरी के इमोशनल सपोर्ट तलाशते हैं। इसी इमोशनल सपोर्ट के चलते अफेयर्स होते हैं। अब जब अफेयर करने वाला सामने वाला बंदा अच्छा हो तो ठीक, उसके भी मन में चोर हो गया, तो मेरे जो व्यूवर्स है, भोले वाले व्यूवर्स है, ऐसे लोग दोनों जगह से फंस जाते हैं। मैं उन सभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगी, रिलेशनशिप आपकी अच्छी हो, टॉक्सिक हो, कुछ भी हो, खुद का माइंडसेट इतना स्ट्रांग बना लो, इतना ऐसे बना लो आप खुद ही ऐसे पर्सन हो जो आपको खुद को प्यार कर सकते हैं, आप खुद ही ऐसे पर्सन हो, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को प्यार करने के लिए काफ़ी है। तो ये जो होते हैं कि बाहर से हमें धोखे मिलते हैं, फैमिली से हमें धोखे मिलते हैं, हमें अबैंडमेंट फील करवाया जाता है, हमें वो सब कुछ नहीं मिलता, सब ड्यूटी करने के बाद, सालों साल एक रिश्ते में गुजारने के बाद भी हमें वो चीज़ नहीं मिलती। ऐसा क्या होता है कि हमने इतना कुछ सर्व कर दिया, सामने वाले पर्सन ने कुछ भी नहीं किया, बट हमारे पर्सन उसके ऊपर अपनी जान लुटाने के लिए बैठे। तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ कर्मा, या फिर इट्स अ पार्ट ऑफ स्पेल, इट्स अ पार्ट ऑफ निगेटिविटी, वैम्पायर एनर्जी, जो आप हो नहीं सकते या फिर हम कभी बन भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे हालात में जो अच्छे लोग होते हैं, इन्हों को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सिचुएशन में। ऐसी सारी सिचुएशन में आप खुद ही आप ऐसे पर्सन हो जो आपकी हेल्प कर सकते हो। हर बार फेल लेना, हर बार कहीं से, ये किसी किसी के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इतना डेफिनेटली आप कर सकते हो कि आपका खुद का माइंडसेट, जी हाँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बहुत सालों से आप इस धोखे का शिकार हुए हो, आपकी एनर्जी ऐसी हुई कि आपने खुदकुशी करने तक की कोशिश की हो, तो मेरा बोलना जितना आसान है आपके लिए करना उतना मुश्किल, मुझे सब पता है, मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट गाइस, फिर भी एक ही सेंटेंस आता है कि आप ही खुद ऐसे हो जो आपकी हेल्प कर सकते हो। कहीं ना कहीं से कभी ना कभी आपको इस बात के लिए शुरुआत करनी ही पड़ेगी। जी, एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं। एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं? यू आर रेडी। जी हाँ, हमने कर दिया, मेरे दर्शकों को रेडी कर दिया, हमने एक पावर बूस्ट तो दे दिया भाई इनको। गेट मोर इन्फॉर्मेशन बोल रहे एंजल, इनकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालो आप विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक। अब आपको स्ट्रांग बन जाएंगे ना, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, ये पर्सन आपके पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि इनको आदत है कि आप इनके सामने हमेशा गिड़गिड़ाते हो, टाइम के लिए, सपोर्ट के लिए, साथ के लिए, तो इनको आदत होगी आपको बेगर की तरह देखने की। जिस दिन से आप इनके सामने भीख मांगना छोड़ दोगे ना, फिर देखना इनकी एनर्जी कैसे चीज़ चेंज होती है, सिचुएशन विल इम्प्रूव। वेट, मैं जो बोल रही हूँ फॉलो कीजिए। बैलेंस करने के लिए क्या कीजिए? मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने तक भी कि आपके आपकी मेंटल स्टेटस नहीं है, तो सिंपली यूट्यूब पर जो कुछ भी पावरफुल मंत्रा होते हैं उनको सुनिए,
मंत्र आपको मेंटल स्टेटस बैलेंस कर देगी। मेंटल स्टेटस जब भी बैलेंस हो जाएगी तब आप मेडिटेशन कर लेना। मेडिटेशन जब बैलेंस हो जाएगी आपके, मेडिटेशन से जब आप अपनी वाइब्रेशन बैलेंस कर लेंगे तब आप किसी सिचुएशन का सामना करने के लिए रेडी रहेंगे। जब आप किसी सिचुएशन का सामना करने के लिए रेडी हो जाएंगे तो सामने वाला आपके ऊपर कितने भी वार करे आप उसको पलटवार करना सीख जाएंगे। जब आप किसी को सामने पलटवार करेंगे, अपने लिए खड़े रहेंगे, तब दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। मेरे वर्ड से लिख लो ये मिरेकल होगा। रिमेन पॉजिटिव, आपको बोला जा रहा है रिमेन पॉजिटिव। कम्युनिकेट क्लियरली, अपनी बातें रखना सीखो। सीखते हो इसलिए आर्गुमेंट हो रही है एंजल। मेरे दर्शक तो भाई क्लैरिटी मांगते हैं, झूठ ये बहकते नहीं है। अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट फ्यू वीक टू वन ईयर। अबेंडेंस भी आपकी लाइफ में आएगा। मैं जो बोल रही हूँ जी, यस मैं जो बोल रही हूँ ये करो, एंजल भी बोल रहे हैं। आप खुद मुझे बताएंगे कि आपके लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेजर शिफ्ट हुआ है। तो गाइज ये होगी आज की रीडिंग, मुझे नेक्स्ट सेशन अटेंड करना है अभी। तब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।